जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की जिला इकाई ने सहारनपुर पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न किए जाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि गत 15 जुलाई 2022 को सहारनपुर शहर कोतवाली में 8 जून को के पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी चौतरफा निंदा हुई थी। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने 17 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन से भी मुलाकात कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह समेत कई जिम्मेदार लोगों ने इसे पुलिस की छवि बिगाड़ने वाली घटना बताया था। बावजूद इसके सहारनपुर के एसएसपी और एसपी राजेश कुमार इस तथ्य को झुठला रहे हैं कि ये वीडियो सहारनपुर का नहीं है, लेकिन बाद में जब ये साबित हो गया कि वीडियो सहारनपुर का ही है तो पीड़ितों को झूठे मामलों में जेल भेज दिया गया। 22 दिन बाद 4 जुलाई को सभी लोगों को अदालत ने रिहा कर दिया, क्योंकि पुलिस इनके खिलाफ किसी अपराध का सबूत नहीं दे पाई थी। मांग उठाई गई कि सहारनपुर कोतवाली में पिटाई की घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उचित धाराओं में जेल भेजा जाए एवं पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला चेयरमैन अफजल साबरी ने बताया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं जो सहारनपुर की घटना को लेकर दिए गए हैं। सहारनपुर में नुपुर शर्मा के विरोध में जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन किया था, सहारनपुर पुलिस द्वारा उनको गलत तरीके से उठाकर बंद कर दिया गया, जिसको हमारे माननीय न्यायालय ने भी उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन उन दोषी पुलिसकर्मियों का क्या होना चाहिए जिन लोगों ने उनको मानसिक तौर पर उत्पीड़न किया और बाकायदा उनकी पिटाई करते हुए वीडियो वायरल की, जो कि हमारे मानवाधिकारों का भी हनन है और लोकतांत्रिक तरीके का भी हनन है। इसलिए हमारी मांग है, इसमें चार हमारी मांगें रखी गई हैं, जिसमें उन 8 व्यक्तियों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए और जिन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की, उनकी पिटाई की, उनके खिलाफ FIR दर्ज होकर उनकी जेल जाना चाहिए और जिन पुलिस अधिकारियों ने उन पुलिसकर्मियों का संरक्षण किया उसकी न्यायिक जांच होकर उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारी मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद के अलावा गयूर अंसारी, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी, सरफराज, डॉक्टर जमाल, विवेक कुमार, मोहम्मद अरशद, हरीश चौधरी, मोहम्मद अहमद एवं राजेंद्र वाल्मीकि सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।